आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड के लालटेन के 633वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बालाघाट संसदीय क्षेत्र के बारे में। बालाघाट संसदीय क्षेत्र में 7 बार कांग्रेस ने तो 6 बार भाजपा ने लहराया है इस क्षेत्र में परचम। 1998 के पहले बालाघाट संसदीय क्षेत्र पर रहा है कांग्रेस का जलजला, इसके बाद भाजपा के तिलिस्म को कोई तोड़ नहीं पाया है। 1998 के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहां पर लगातार ही प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। आज़ादी के उपरांत अब तक 17 सांसदों को बालाघाट के द्वारा चुना गया है, इसमें से सबसे ज़्यादा 7 बार कांग्रेस के प्रत्याशियों को जनता ने केंद्र में प्रतिनिधित्व का मौका दिया और 6 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। इसके अलावा एक बार यहाँ पर प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी, एक बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और एक बार निर्दलीय प्रत्याशी ने यहाँ पर परचम लहराया है, केंद्र में प्रतिनिधित्व किया है बालाघाट संसदीय क्षेत्र। ये कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद लगातार ही ये सीट कांग्रेस के कब्जे वाली सीट थी, या इस तरह से कहा जाए कि आज़ादी के उपरांत बालाघाट संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का अवैध गढ़ रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर 2020वीं सदी के अंतिम दशकों में 1998 के उपरांत इस सीट पर भाजपा का रुझान इस कदर बढ़ा कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र पर भाजपा लगातार ही परचम लहराती आ रही है। आइए बालाघाट संसदीय क्षेत्र के संबंध में आज़ादी के उपरांत का इतिहास जाना जाए। हम आपको इतिहास बताते हैं 1992 और 1952, आज़ादी के बाद 1952 और 1957 में कांग्रेस के चिंतामन राव गौतम यहां से विजयी हुई, 2 बार कांग्रेस के रहे और 1962 में प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के भोलाराम रामजी, 1967 और 1971 में कांग्रेस के चिंतामन राव गौतम, इस तरह चिंतामन राव गौतम 4 बार यहाँ पर सांसद रहे। इसके अलावा 1977 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ के कचरू लाल जैन, 1980 में निर्दलीय के खाते में बालाघाट संसदीय, माफ कीजिएगा 1980 और 84 में कांग्रेस के नंद किशोर शर्मा, 1989 में निर्दलीय के खाते में बालाघाट संसदीय क्षेत्र पहली बार गया। यहां से कंकर मुंजारे बतौर निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर खड़े हुए और उन्होंने परचम लहराया। 1991 और 1996 में विश्वेश्वर भगत और 1998 में ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई और तब से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। 1998 में भारतीय जनता पार्टी के गौरीशंकर बिसेन, 1999 में प्रहलाद सिंह पटेल, 2004 में गौरीशंकर बिसेन बालाघाट के सांसद रहे और 2009 में पुनरारक्षण और परिसीमन के उपरांत बालाघाट संसदीय क्षेत्र सिवनी जिले के बरघाट और जिला मुख्यालय सिवनी वाला विधानसभा क्षेत्र सिवनी इसमें जुड़ गया। इसके अलावा इसके बाद 2009 में भाजपा के केडी देशमुख, 2014 में भाजपा के बोध सिंह भगत और 2019 में भाजपा के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन यहाँ से सांसद बने। 2009 में परिसीमन और पुनरारक्षण की प्रक्रिया के उपरांत सिवनी जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र बालाघाट संसदीय क्षेत्र में चले गए और 2 विधानसभा क्षेत्र, कुल 5 में से 4 बचे हुए थे परिसीमन के उपरांत, वो मंडला संसदीय क्षेत्र के हिस्सा हो गए, दोनों में चले गए। जब तक सिवनी लोकसभा सीट अस्तित्व में रही तब तक सिवनी में विकास के द्वार खुले हुए प्रतीत होते थे, पर बालाघाट और मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा बनने के बाद सिवनी जिले में केंद्रीय सौगातें मानो तरसा तरसा कर दी जाने लगी। एक समय था जब सिवनी में नेशनल हाईवे का कार्यपालन यंत्री एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस हुआ करता था। उम्र दराज हो रही पीढ़ी जानती होगी कि ये ऑफिस पीडब्ल्यूडी के जो ऑफिस थे वहाँ पर लगा करता था। केंद्रीय योजनाओं की भरमार थी पर अब सब कुछ ठहरा हुआ सा ही प्रतीत तो होता है। सिवनी से होकर गुजरने वाले 4 लेन को बहुत मुश्किल से ही बंजारी के पास और खवासा और कुरई के बीच बहुत मुश्किल से ही पूरी हो पाई। इस 4 लेन पर सिवनी शहर के बाईपास में 2010 में बनने वाला ट्रामा केयर यूनिट आज 14 साल बाद भी नहीं बन पाया है।
एनएचएआई का कहना है कि अस्तित्व में था ही नहीं, इसे ऐसा कोई प्रस्ताव था ही नहीं। सड़क के निर्माण के वक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई का एक परियोजना निदेशक पीडी का ऑफिस सिवनी में हुआ करता था, उसे छीन लिया गया। सिवनी में नैरो गेज से ब्रॉड गेज के अमान परिवर्तन में न केवल बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की बातें सामने आई, वरन काम भी बहुत घटिया गुणवत्ता का हुआ। सिवनी में नैरो गेज के वक्त चलने वाली जितनी पैसेंजर रेलगाड़ियां चला करती थी वे पूरी की पूरी आज नहीं चल पा रही, तो नई रेलगाड़ियों की क्या बात की जाए। ये सिवनी को के साथ उपेक्षा भरा बर्ताव प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय योजना के मामले में सिवनी का कलश पूरी तरह रीता माना जा सकता है, खाली माना जा सकता है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के संबंध में फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बालाघाट संसदीय क्षेत्र के वर्तमान दावेदारों में कांग्रेस और भाजपा चूंकि मुख्य पार्टीज हैं, इनके दावेदार चुनाव के पहले सिवनी जिले में शायद ही कभी सक्रिय रहे हो। इसके पहले जो भी प्रत्याशी हैं वे सिवनी की समस्याओं को लेकर कभी सक्रिय रहे हों ये नहीं कहा जा सकता। सिवनी जिले के संघर्ष के लिए भी उनके योगदान की बात करें तो वो भी शून्य ही प्रतीत होगा। यहाँ तक कि जिला मुख्यालय सिवनी में वर्तमान चुनावों के दौरान प्रचार भी पूरी तरह ठंडा ही जनता मान रही है। राजनीतिक दलों के प्रचार वाहन की अगर बात की जाए तो सिवनी शहर में कभी कभार एकाद वाहन का शोर ही सुनाई दे रहा हो। सिवनी शहर की हम बात कर रहे हैं, सिवनी शहर के नागरिक इस बात को बेहतर जानते होंगे, जिससे भी आप चर्चा करें वो यही कहता है कि चुनाव हो रहा है या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुल मिलाकर बालाघाट संसदीय क्षेत्र में इस बार बालाघाट जिले के साथ ही सिवनी जिले के सिवनी और बरघाट विधानसभा के मतदाता अपना 18वां संसद सदस्य चुनने जा रहे हैं। बालाघाट संसदीय क्षेत्र, सिवनी संसदीय क्षेत्र की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसके पहले 7 बार कांग्रेस और 6 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ संसद में प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। इस बार ऊंट किसकर बैठेगा 4 जून को ये स्पष्ट हो पाएगा। इस बार मंडला और बालाघाट संसदीय क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को लोकसभा हेतु मतदान होगा। आप अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य तौर पर करते हुए जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय जरूर दें। ये अपील समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया हर मतदाता से करना चाहती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी के लाल टैंक के 633वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में माफ़ कीजिएगा लिमटी की लाल टैंक और अन्य खबरें देखना हो तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 634वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।